यहाँ पे देखो मैंने ऑटो पायलट कर रखी है, और यहाँ पे देखो अपने आप ऑटो पायलट चल रहा है, स्टेयरिंग भी। तो जैसे मतलब रोड जा रहे हैं ना, ऐसे स्टेयरिंग टर्न ले रहा है, और यहाँ पे और एक टर्न आ रहा है और अपने आप स्टेयरिंग टर्न करेगा। यहाँ पे देखो कैसे टर्न कर रहा है गाइस, मैं डर रहा हूँ। देखो ये कोटिंग किया हुआ है और ये नॉर्मल है, यहाँ पे ना बिल्कुल पानी रहेगा ही नहीं। गाड़ी ना गाइस 3 दिन के लिए देनी है, देन उसके बाद आ जाएगा। मैगी देखो और मौसम देखो कितनी मजा आएगी। यो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू माय फ्यूमेट। और आज अपने किया सेल्डर्स को लेके ना हम जा रहे हैं कार की वर्कशॉप में, क्योंकि पीपीएफ करवाना है और बहुत अलग अलग टाइप के पीपीएफ आते हैं गाइस। उन्होंने मेरे को कॉल में समझाया सीरामिक कोटिंग होता है, 3M कोटिंग होता है, और फिर पीपीएफ होता है, काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो उन्होंने ना कॉल पे ऐसा बोला कि आप एक बार ना लाइव दिख जाओ, तो यार गाइस फटाफट चलते हैं लाइव दिखने। और पीपीएफ से ना अपनी मतलब कार है ना पूरी सेफ रहती है, वो पूरा कार मतलब लाइक हम फोन को जैसे लेमिनेशन कराते हैं ना, ऐसी कार को हम लेमिनेट करते हैं ना, उसको पीपीएफ कहते हैं। तो उससे कार काफी सेफ हो जाती है गाइस, डेंट से, स्क्रैचेस से, वाटर से, काफी सारी चीजों से सेफ हो जाती है, और कार लॉन्ग टाइम तक एक ही कंडीशन में रहती है। तो यार बहुत जरूरी है, तो फटाफट चलते हैं और चेक करते हैं पीपीएफ को। बाकी मौसम भी कितना मस्त हो रखा है गाइस, देखो ये मेरा फेवरेट मौसम है, मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और कितना मस्त लग रहा है। एंड यहाँ पे देखो भाई ब्लैक गाड़ी बारिश में कुछ अलग ही लग रही है। हाँ यार वो तो है गाइस, कितनी अलग लगती है, ब्लैक गाड़ी की बात ही अलग है यार बारिश में। बाकी फटाफट चलते हैं गाइस। यहाँ पे देखो मैंने ऑटो पायलट कर रखी है, और यहाँ पे देखो अपने आप ऑटो पायलट चल रहा है, स्टेयरिंग भी। देखो जैसे मतलब रोड जा रहे ना, ऐसे स्टेयरिंग टर्न ले रहा है भाई, क्या नेक्स्ट लेवल है। एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे ट्रक है ना, तो अपने आप स्पीड रिड्यूस होगी। देखो अभी 60 की स्पीड थी ना, देखो कम हो गई, 60 से 40 आ गई, क्योंकि ना गाइस ये आगे ट्रक है ना, तो वो ट्रक से फॉलो कर रहा है। एंड ये भी एक सेफ्टी फीचर है कि 1 मिनट में ना ऐसा स्टेयरिंग सिर्फ टच कर लेना है, फिर ओके। अभी देखो पूरा लॉन्ग टर्न आया, पूरा टर्न है, और यहाँ पे देखो पूरा स्टेयरिंग टर्न हो रहा है गाइस, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल फीचर है गाइस। ये अपनी मिनी टेस्ला कह सकते हो आप, ऐसा फीचर है। और अंदर ना दिखा भी रहा है कि आगे ट्रक है, और यहाँ पे और एक टर्न आ रहा है और अपने आप स्टेयरिंग टर्न करेगा। यहाँ पे देखो कैसे टर्न कर रहा है गाइस, मैं डर रहा हूँ भाई, नेक्स्ट लेवल टर्न कर रहा है गाइस। और अभी देखो अभी स्ट्रेट हो गया ना, तो स्टेयरिंग भी स्ट्रेट हो जाएगा। ये देखो स्ट्रेट हो गया स्टेयरिंग भाई, मतलब गजब है। एक बात तो है गाइस, ऐसे मौसम में ना जाने में बहुत मजा आता है, वो धूप धूप होती है ना, तो इतना मजा नहीं आता, और यही ना मेरा फेवरेट मौसम है। यहाँ पे पता नहीं थोड़ा ट्रैफिक चल रहा है, और यहाँ ट्रैफिक में फंसे हुए। मैंने एक बार तो चेक करी यार, ये बड़ौदा के ना सिग्नल्स बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के चलते हैं, कुछ ज़्यादा ड्यूरेशन चलते हैं, 90 सेकंड के सिग्नल चलते हैं यहाँ पे। आई डोंट नो ऐसा क्यों, आई थिंक ट्रैफिक के रीजन से, बट बहुत चलते हैं। तो गाइस अभी ना हम पहुँच गए, और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत था, कितनी मेहनत से पहुँचे भाई हम। गाइस कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक था, और अभी मौसम देखो कैसा हो रखा है भाई, और भाई गाड़ी की हालत देखो, आते आते मतलब इतनी क्लीन कार थी, और आते आते पूरी गंदी हो गई यार, पूरी गंदी हो गई। मॉर्निंग में वो हम निकले वहाँ से, तब बोनट दिखाया था ना। हाँ हाँ पूरी क्लीन थी, और अब पूरी गंदी हो गई। तो गाइस यहाँ पे ना पानी मार रहे हैं, और पानी मार के यहाँ पे बताया कि यहाँ पे ना थोड़ा सा वो करा है कोटिंग, ये चेक करो। यहाँ पे देखो पानी नहीं रह रहा है भाई, गाइस ये देखो ये कोटिंग किया हुआ है और ये नॉर्मल है, यहाँ पे ना बिल्कुल पानी रहेगा ही नहीं। अंकल जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे ना ग्रेफाइट है, मतलब ये पीपीएफ नहीं है गाइस, पीपीएफ ना थोड़ा अलग होता है, ये ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में क्या होता है गाइस, गाड़ी ना पूरी कवर हो जाती है, लेकिन पीपीएफ ना वो ज़्यादातर पूरा प्लास्टिक होता है ना, तो वो थोड़ा येल्लोइश हो सकता है, क्योंकि ब्लैक कार है ना, तो येल्लोइश हो सकता है, तो थोड़ा रिस्क भी है। बट ये ना थोड़ा 50-50% है, मतलब ये ग्रेफाइट ना उसका थोड़ा 50-50% है, तो इससे ना कार काफ़ी सेफ रहेगी। बाकी यहाँ पे देखो साइड से आपको दिखेगा, यहाँ पे ना पूरा ब्लैक ग्लोसी लुक दे रहा है, और यहाँ पे कार का ओरिजिनल कलर है। थोड़ा डिफरेंट ही लग रहा है, मतलब थोड़ा मतलब बहुत डिफरेंट लग रहा है, जब इतना पार्ट किया है तब पूरा पार्ट करेगा तो कितना डिफरेंट लगेगा सोचो भाई। साइन मारेगी गाइस इससे ना पूरी गाड़ी, मतलब साइन होगी पूरी गाड़ी, और इसको बनाते बनाते ना 3 डेज लग सकते हैं अंकल, 3 डेज का टाइम लग सकता है ना इसमें, 3 डेज पक्का 3 डेज।
ये लगाने के बाद ऐसा पानी नहीं रहेगा, मतलब काफी सारे एडवांटेजेस है। मतलब गाड़ी ना पता है सालों साल मतलब एक ही कंडीशन में रह सकती है गाइस, मतलब यहाँ पे भी आएगा और आई थिंक यहाँ पे भी आएगा। हाँ यहाँ पे भी आएगा गाइस, यहाँ पे भी आएगा और एलॉय व्हील्स पे भी आएगा, एलॉय व्हील्स पे, यहाँ पे एंड हाँ बैक लाइट्स पे भी। पूरी गाड़ी टोटली कवर सिर्फ ये रबर को छोड़ के, बाकी अभी सब बात बात हो गई है। और गाड़ी ना गाइस 3 दिन के लिए देनी है, तो 3 दिन के लिए देके देन उसके बाद आ जाएगा गाइस। यहाँ पे देखो गाइस थार भी हो रही है भाई, थार भी हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के थे, यहाँ पे देखो 3M सिरामिक कोटिंग है, यहाँ पे पूरी सीट मरीन सिरामिक कोटिंग है, पूरे अलग अलग टाइप के। यहाँ पे स्लो सिरामिक कोटिंग है, यहाँ पे फास्ट फ्लेक्सिबल है, काफ़ी सारे। और हमारा जो ये है ग्रेफाइट कोटिंग, ये ममतलब इसके ड्यूरेशन काफ़ी है, मतलब 3 से 4 साल तक मतलब अच्छी तरह चल सकता है, यही बेस्ट है ना। ये भी चलते हैं गाइस। बाय द वे हम यहाँ पे मैगी खाने खड़े हैं और यहाँ पे पता नहीं फेमस मैगी मिलती है, तो आज टेस्ट करते हैं। भाई ये रूफ तो देख पूरा कितना मस्त लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे मैगी आ चुकी है और भाई क्या भाई नेक्स्ट लेवल कर दिया, पता नहीं मतलब मैंने तो भाई गाइस सिर्फ मसाला मैगी बोली थी और आई थिंक यहाँ पे तड़का वाली मैगी कर दी है। बट यार मैगी देखो और मौसम देखो कितनी मजा आएगी गाइस। देखो तो इतनी आदत नहीं है ना स्पाइसी खाने की, क्या करेगा, नहीं है बट चलेगा। प्लेस का नाम नहीं पता बट आप भी एक बार आना भाई, क्या नेक्स्ट लेवल मैगी बनाई है भाई। अभी यहाँ पे देखो अकोटा ब्रिज है गाइस, और ये ब्रिज ना पूरा सोलर से कवर किया है पूरा। एंड अगेन यहाँ पे 90 सेकंड का सिग्नल भाई, मतलब बहुत ही यार ड्यूरेशन है। मेरे को तो गाइस बहुत वियर्ड लगता है यार ये टाइम वेस्ट करना। अभी ना मैंने ये टायर पे हवा चेक करा, आई डोंट नो मेरे को लगा कम थी बट नहीं है, क्योंकि गाड़ी में ना पहले पता नहीं आई डोंट नो ग्लिच हुआ, 25 के बता रहे थे लेकिन पता नहीं चेक किया ना तो एकदम परफेक्ट हो गया, पता नहीं आई डोंट नो क्या ग्लिच था। वैसे ना ये गाड़ी की टैंक कैपेसिटी 50 लीटर की है, मतलब ये है मतलब काफी अच्छी है। एंड यहाँ पे देखो अभी ना 875 किलोमीटर चली गई गाड़ी, मतलब काफी लॉन्ग कैपेसिटी दी है ड्यूरेशन में। हो गया भैया फुल। तो गाइस अभी मैं घर पे आ गया और बाय द वे ना मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये रिंग देखो भाई, कमेंट में बताना गाइस कैसी लग रही है ये रिंग। मैंने रिंग ना पहले पहनना छोड़ दिया था बट आई डोंट नो मेरे को ये पसंद है ना तो मैंने ये ले ली, बट यहाँ कमेंट में बताना कैसी लग रही। वैसे ना आज क्या उसके मुँह बताया गाइस, मुझे ना पहनने थे ये वाले शूज लेकिन मैं ना जल्दी जल्दी में ये लेके चला गया फटाफट नीचे और मैंने पहन भी लिए, फिर मेरे को याद आया मैंने गलती से दूसरे शूज ले लिया, तो फिर मैं वापस ऊपर रखने आया, फिर मैंने वापस ये वाले पहने। अभी तो फिलहाल इसको ना मैं वॉश कराऊंगा, अभी तो मैं यहाँ पे नहीं रखूंगा। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको वीडियो में मजा आएगी, तो लाइक करो शेयर करो और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। बाकी बस मैं अभी सो जाऊंगा या फिर सीरीज या फिर कोई मूवी देखूंगा, बट पता नहीं मतलब मैं देखू भी कैसे, मैंने इतनी सारी सीरीज एंड मूवीज देख लिया ना कि अब मैं कंफ्यूज होने लगा हूं, मतलब मेरे को पता नहीं चलता मैं कौन सी मूवी देखूं। तो या अगर आपके माइंड में अगर कोई सजेशन हो मेरे लिए मूवी या फिर सीरीज तो या प्लीज कमेंट कर देना गाइस। तो या टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय। मतलब ना ये मौसम मेरे को बहुत पसंद है यार। हाँ मॉम।